दैनिक राशिफल में आज हम जानेंगे 31 अक्टूबर गुरुवार का राशिफल। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेष राशि, आज आपके लिए क्या पॉजिटिव है हम जानते हैं, जिससे कार्य व्यवसाय से संबंधित आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जिस किसी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि प्रॉपर्टी को छोड़ किसी अन्य क्षेत्र में निवेश आपके लिए अच्छा हो सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए किसी भी कार्य को करना आपके लिए बेहतर होगा। इस समय अपने कर्म पर भरोसा ज्यादा करें। आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें। लव, आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। अपने साथी से कुछ भी ना छिपाएं और अपने कामों के बारे में स्पष्ट रहें। अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें और एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। व्यवसाय, सारे ग्रह एक अनुकूल स्थिति में है और यदि आप अच्छे प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। स्वास्थ्य, किसी भी तरह की चोट चपेट या रक्त से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 7। वृष राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। नकद प्रवाह अच्छा रहेगा। आप एक ही समय में काफी पैसा कमा पाएंगे और दूसरों की सहायता कर पाएंगे। आपको अपने धन का प्रबंधन करते समय समझदार होना होगा और कुछ लाभदायक उद्यमों में निवेश करना होगा जो कुछ अच्छे फल दे सकते हैं। आइए जानते हैं आपके लिए आज क्या निगेटिव है। आपके प्रबंधकीय कौशल का परीक्षण किया जाएगा और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। काम करते समय शांत आसन बनाए रखें। लव, आपकी संतान अपनी कक्षा में खराब प्रदर्शन कर सकती है या फिर उसकी सेहत में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में अपने बच्चे की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय, आपको किसी कार्य के लिए यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे आपको वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप व्यापार या अवकाश के लिए यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा को बहुत संक्षिप्त रखें। स्वास्थ्य, संभव है कि आपको घुटने जोड़ों का दर्द इत्यादि का सामना करना पड़े, अतः आपको पूरी तरह अपने शरीर के प्रति स्वस्थ व सचेत रहने की जरूरत है। आपका भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 2। मिथुन राशि, आइए जानते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव है। घर पर सभी के सामने अपने मन की बात कहें। काम के कारण देश विदेश दोनों जगहों पर जाने की संभावना है। अगर आप किसी पार्टी से जुड़कर राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। आप कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सहयोगियों के साथ आपकी बहस हो सकती है। यह आपके लिए एक कठिन समय है जहां आप बहुत सारी गतिविधियों और समय सीमा से प्रभावित होंगे। आपसे अपेक्षा की जाएगी आप समय सीमा के अनुसार कार्य करें और उसे वितरित करें। लव, आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में गलतफहमी को दर्शाता है। इस प्रकार आपके और आपके परिवार में विवाद हो सकता है। प्रत्येक संदेह या गलतफहमी को दूर करने के लिए एक खुली बातचीत सबसे अच्छा समाधान है। व्यवसाय, आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपके आसपास के लोग आपके पेशेवर प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में नए हैं तो और पहले अच्छे मौके की तलाश में हैं तो आपको वो मिल सकता है। स्वास्थ्य स्तर अविश्वसनीय होगा। शरीर की चर्बी को जलाने के लिए उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में संलग्न रहें और पौष्टिक भोजन के साथ अपने शरीर को पोषण दें। आपका भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 5। कर्क राशि,
आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। आपके व्यवसाय तथा कामकाज से संबंधित अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धन अचल संपत्ति का योग अच्छा बन रहा है। विदेश यात्रा सफल होने की संभावना बन रही है। यदि किसी काम से संबंधित बाहर की यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह सफल हो सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। व्यवस्था में तनावपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं, परंतु प्रयास करने से व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क जुड़ने का योग बन रहा है तथा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से सम्मान प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। लव, समय के साथ आपका संबंध और मजबूत हो जाएगा। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और पूरे महीने भर आनंदित रहेंगे, लेकिन बहुत अधिक सामाजिकता से बचें और यह आपकी गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। व्यवसाय, आप अपनी यात्रा योजना के एक भाग के रूप में विदेशों में यात्रा कर सकते हैं। यात्राएं व्यवसायिक या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है और आपको इन यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से मिलना पड़ सकता है और वे आपके काम में आपकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य, जंक फूड का सेवन करने और दूसरी ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने से आपको बचना चाहिए। आप समान विचारधारा वाले स्वास्थ्य उत्साही लोगों के समूह में शामिल हो सकते हैं ताकि आप नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित हो। आपका भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 4। सिंह राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। गणेश जी की कृपा से भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप व्यवसायिक दृष्टि से कोई विस्तार की योजना बना रहे हैं तो स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। उच्च पद प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप शिक्षार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से यह बेहतर समय नहीं है। कुछ गलत संगति में होने के कारण पढ़ाई लिखाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अच्छे संगति में रहने का प्रयास सफल हो सकता है। लव, आपका रोमांटिक जीवन इस महीने बेहतर रहेगा। जो एकल है इस समय विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, वह जीवन भर का प्यार हो सकता है। शादीशुदा अपने साथी के साथ आनंदित रिश्ते का आनंद लेंगे और संगता काफी अच्छी रहेगी। व्यवसाय, पिछले निवेश शानदार फल देंगे और नकदी प्रवाह अच्छा होगा। यह आपके लिए सोने पर सुहागा होगा क्योंकि नियमित आय स्थिर होगी। आप बहुमुखी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और यह आपके क्षितिज को व्यापक बनाएगा। स्वास्थ्य, आपकी जीवन शैली समग्र रूप से स्वस्थ होगी और आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। आपका भाग्यशाली रंग है किरमिजी और भाग्यशाली अंक है 8। कन्या राशि, आइए जानते हैं आपके लिए आज क्या पॉजिटिव है। भाई बंधु व इष्ट मित्र सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो इसके लिए अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर स्थितियां अच्छी रहेंगी। संतान से संतुष्टि या सहयोग की भावना पूर्ण हो सकती है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। यदि आप गाड़ी या घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है। किसी न किसी कारणवश वाहन भवन सुख प्राप्ति में विलंब हो सकता है। यदि आप सर्विस करते हैं तो आपको अपने सहयोगियों से तनाव उत्पन्न हो सकता है। लव, मिलने जुलने का अवसर मिलेगा। इस महीने आपके लिए प्यार में पढ़ने की संभावनाएं उज्जवल हैं, इसीलिए आगे बढ़े और नई भावी सहयोगियों से मिले। विवाहित लोग आनंदित और भावुक रिश्ते का आनंद लेंगे। व्यवसाय, यात्रा आपके लिए क्षितिज का विस्तार करने और नए अनुभव लेने का एक अवसर होगा। यात्रा शीघ्र ही आपको समृद्ध पुरस्कार देगी।
विदेशी शहरों में स्तर उच्च होगा। आपकी अच्छी आदतों के माध्यम से आपकी आकृति अच्छी होगी और कोई बड़ी बीमारी का अनुमान नहीं है। भाग्यशाली रंग है आपका सफेद और भाग्यशाली अंक है 9। तुला राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। धैर्य रखकर किसी कार्य को करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। सोचे हुए कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। आर्थिक लाभ के लिए किया गया प्रयास में सफलता हो सकती है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। नए कार्य का शुभारंभ या कार्य का योजना का विस्तार करना नुकसानदायक हो सकता है। पारिवारिक उलझन बढ़ सकती है, फिर भी भागदौड़ तथा तनावपूर्ण स्थितियों से भी अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। संघर्षपूर्ण स्थितियों में अच्छा लाभ हो सकता है। लव, आप अपने प्रेमी जन के साथ बुद्धि विचारों से अनुकूल बनाने की कोशिश करें तथा अपनी बातों में उलझाकर कहीं घूमने फिरने की प्लान करें, जिससे मधुर संबंध स्थापित हो सके। व्यवसाय, अपने पैसों के मामलों में सावधानी बरतें और चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। कुछ विकास होगा लेकिन नकदी प्रवाह थोड़ा प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य, आप कुछ छोटी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं और इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना होगा। आपके लिए कसरत, आहार और पर्याप्त आराम का त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और आपका भाग्यशाली रंग है सिल्वर और भाग्यशाली अंक है 6। वृश्चिक राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। जिस किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। कैरियर से संबंधित लाभ प्राप्त होने के अच्छे संकेत बनते हैं, इसीलिए आर्थिक लाभ के लिए किसी तरह के कामकाज को सफल बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। मितव्ययी जीवन जीना चाहिए और बुद्धिमानी से पैसा खर्च करना चाहिए। अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं तय करें और फिर उसी के अनुसार अपना बजट तय करें। आपके जोखिम भरे कर्मों में जाने और श्रद्धा और जुए आदि में शामिल होने से बचना चाहिए। लव, एक दूसरे के साथ बाहर की यात्रा भी होने की संभावना पाई जाती है तथा कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। किसी तरह की कहीं शॉपिंग इत्यादि के लिए भी जा सकते हैं। व्यवसाय, आपके सितारे आपके पक्ष में होंगे, इसीलिए पूरे उत्साह के साथ अपने पेशेवर प्रयासों के साथ आगे बढ़िए। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुशासित रहें। यदि आप पहले से तैयार करते हैं और पर्याप्त सावधानी बरतते हैं तो आप अच्छे आकार में रहेंगे। और आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 2। धनु राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। आर्थिक लाभ की स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। संगे संबंधियों तथा रिश्तेदारों से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है, परंतु आप साहसी तथा पराक्रमी व्यक्ति हैं जो स्वयं से कार्य करने में सक्षम होते हैं। स्वयं से किसी कार्य को करने का प्रयास करें। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। अपने पेशेवर और निजी जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। ये निर्णय आपके जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले तार्किक और तर्कसंगत तरीके से थोड़ा मंथन करें। पैसों के लेन देन में सावधानी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव, जीवन साथी के विचारधारा एक दूसरे से अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कामकाज के क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके सगे संबंधियों से भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। व्यवसाय, आप अपने पेशेवर जीवन में प्रभावित होंगे और निजी और घरेलू मामलों पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे।
पेशेवर मोर्चे पर अच्छा करने की संभावनाएं उज्जवल हैं, इसीलिए आपका पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। स्वास्थ्य, आपको अपना वजन कम रखने के लिए जंक फूड, तैलीय और मसालेदार भोजन का सेवन कम करना चाहिए। आपका भाग्यशाली रंग है केसरी और भाग्यशाली अंक है 9। मकर राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। यदि आप कार्य व्यवस्था की योजना को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या उसे विस्तार देने की कोशिश है तो वह सफल हो सकती है। इस समय में कहीं पैसों का निवेश कर सकते हैं। किसी तरह का निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। अनावश्यक परिवार में विवाद होने की संभावना बन सकती है, ऐसे में सावधान रहें और किसी के बातों पर भरोसा करने की बजाय अपने घर परिवार के लोगों पर भरोसा करें। लव, प्रेम संबंधों में आपसी दरार उत्पन्न हो सकती है। किसी तरह की कहा सुनी होने के कारण विवाद उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। प्रेमी जन के वैचारिक मतभेद होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। व्यवसाय, गणेश जी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देने और उपलब्ध विकल्पों का अधिकतम लाभ उठाने की सलाह देते हैं। सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ सामाजिक कौशल सीखने चाहिए। स्वास्थ्य, किसी तरह के कमर के निचले हिस्से में समस्या उत्पन्न हो सकती है तथा चोट चपेट इत्यादि की संभावना बन सकती है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 3। कुंभ राशि, आइए जानते हैं आपके लिए क्या पॉजिटिव है। घर परिवार में सबके साथ तालमेल बनाए रखना तथा एक दूसरे का ख्याल करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पारिवारिक संतुलन अच्छा रहता है तथा इस तरह के क्षेत्रों में विकास होता है। पारिवारिक सहयोग हर तरह से समस्याओं को दूर करने का मंत्र रहेगा। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें और फिर आप अपना अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए यह समय अच्छा लगता है, लेकिन उचित परिश्रम और उचित शोध के बाद ही इसे करें। लव, किसी अन्य व्यक्ति की दखल होने से प्रेम संबंधों में तनाव का माहौल हो सकता है, एक दूसरे के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करने से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय, आपका भाग्य भी अच्छा साथ दे सकता है। कामकाज से संबंधित बाहर की यात्रा हो सकती है जिससे आर्थिक लाभ अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य, आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, सतर्क रहें और आवश्यक दवाइयां लें। और आपका भाग्यशाली रंग है गोल्डन और भाग्यशाली अंक है 5। मीन राशि, आइए जानते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव है। आज आप बहुत सारी गतिविधियों और सामाजिक अवसरों में व्यस्त रहेंगे। आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे और इसीलिए यह आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा। नए लोगों से मिलना आपके विकास के लिए अच्छा होगा और वे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए क्या निगेटिव है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपने जीवन में दूसरों की मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। हालांकि आप बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रियजनों के साथ बिताने का समय मिल जाएगा। लव, यदि किसी तरह का कोई प्रपोजल देना चाहते हैं तो इंतजार करें। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने से कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय, कार्यस्थल पर सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको कब किसी से सहायता लेनी पड़ जाए।
आप कुछ अतिरिक्त रास्ते तलाशना चाहेंगे जहां आप अपने प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य, आपका ऊर्जा स्तर पूरे महीने अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप कई बार असहज महसूस कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग है आपका कत्थई और भाग्यशाली अंक है आपका 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।